नमस्कार ओम शांति पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हम अपने इस कार्यक्रम में मैंने कई बार भी कहा है आज फिर से कहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में वही लोग आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत परेशानियां बहुत परिस्थितियां देखी हैं और उनको देखने के बाद अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए डॉक्टर रतन लाल जी जो सिविल सर्जन है जलंधर में वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर डर मेडिकल कॉलेज और उनकी खासियत यह है कि 2016 से वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो ब्रह्मा कुमारी कार्य करते हैं तन मन धन से उनकी सेवाएं चलती हैं जब भी उनको बुलाया जाए बहुत ही प्रेम पूर्वक आते हैं कार्य करते हैं साथ ही साथ मेडिटेशन भी करते हैं आइए स्वागत करते हैं पाथ ऑफ सक्सेस में रतनलाल बसंत जी का भाई जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति जी ओम शांति जैसे कि आजकल मैंने आपका एक थोड़ा सा ही इंट्रो दिया बाकी तो आप ही हमें अपने बारे में बताएंगे कि सिविल सर्जन जैसे आपने कहा कि मैं रिटायर सिविल सर्जन हूँ कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम होता है कुछ को नहीं मालूम होता है तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि सिविल सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर डेटर्मोलॉजी क्या चीज़ है ये बहन जी सिविल सर्जन जो होता है वो जिले का हेड ऑफ दी हेल्थ सर्विसेज होता है जी और जो भी गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज होती हैं जितनी भी हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज होती हैं उन सब का वो कंट्रोल करता है उनको अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो उनको उनको उसकी जिम्मेवारी होती है जी। बाकी जो भी ज़िले में लिंक निर्धारण टेस्ट वगैरह होते हैं लैबोरेटरीज होती हैं हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट भी उनको भी वो देखते हैं कि वो अच्छी तरह से ठीक ठीक काम करते हैं कि नहीं।, नहीं।, नहीं और जो शहर में खाने पीने की चीज़ें हैं होटल्स हैं रेस्टोरेंट हैं जो भी चीज़ें जैसे दूध वगैरह उनको भी उस, जब सारा कंट्रोल उसके अंडर ही होता है कि वो अच्छी तरह सभी चीज़ें जो है वो गुणवत्ता वाली सारी बने तो एज ए डॉक्टर मैं डर्माटोलोजिस्ट हूँ स्किन स्पेशलिस्ट एम मैंने की हुई है अच्छा और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर मेडिकल कॉलेज जहाँ पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज जलंधर में है वहाँ मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था आजकल मैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर प्लस इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत अच्छी बात है जैसे कि आपने कहा कि आप मतलब समाज सेवक के लिए स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीजें आप देखते हैं आपके अंडर ही है ये आप सारा कवर करते हैं आजकल कर देखा जाए स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वाटर और फूड तो पानी को किस तरह से हम प्योर करके पिए भले ही सबके घर में एक्वागार्ड है लेकिन फिर भी पानी में बहुत प्रॉब्लम है नहीं आज पानी ऐसा है या ऐसा है पानी को किस तरह से हमें आप कैसे जांच करते हैं पानी एक बहुत ही ज़रूरी ही वस्तु है हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी पानी आजकल तो वैसे भी बहुत इम्प्योर है लेकिन जब गर्मियों में ख़ास करके पानी से जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती हैं तो उस वक्त अगर कोई आपको लगता है तो पानी को उबाल करके उसको ठंडा करके आप पी सकते हैं

पीने से कोई शरीर को ज़्यादा नुकसान हो जिसमें जान का खतरा हो तो उसके लिए तो हम तो केस भी करते हैं अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय करवा देते हैं हम अच्छा और फूड के बारे में क्या कहें फूड में भी ऐसे ही है, है दूध दही पनीर और जो भी खाने की चीज़ें हैं चाहे दालें हों या होटल में भी खाना हो वो सभी टाइम टाइम पर चेक करते हैं और अगर वो ऐसा होता है जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे तो उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर सैंपल भेज के वो

ऐसा करो करना ही है आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं किया? नहीं प्रेशराइज नहीं जब मैंने मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दिवाली से पहले लोग यहाँ पे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग कर लेते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बहुत होती है और एकदम एक सम एकदम वो बन नहीं सकती इतनी ज़्यादा मिठाई तो वो फिर स्टोर करके रख देते हैं और एक यहाँ पे कस्बा था वहाँ पे हम गए मुझे पता चला और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुलाब जामुन रसगुल्ले वगैरह बना के उन्होंने ड्रमों में रखा होता है और उसमें काफ़ी मक्खियाँ थी कीड़े वगैरह भी थे और जब मैंने देखा तो मैंने इमीडिएटली उसको मीडिया को बुला के डिस्ट्रॉय करवा के उसको गड्ढे में मतलब तो निकलवा के उसका सैंपल लेके उसके बाद फिर उसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसके बाद फिर केस चला था जी तो जैसे कि आपने एक चीज और बताई कि एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी है लॉजिकल डर्मेटोलॉजी है तो स्किन के बारे में किस तरह का आप चेकअप करते हैं उसके बारे में क्या है जो सिविल सर्जन की पोस्ट होती है। जाते वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वहाँ पे मैं स्किन नहीं देखता था लेकिन जब मैं पहले मेडिकल ऑफिसर था या सीनियर मेडिकल ऑफिसर था उस वक्त जो भी स्किन के पेशेंट थे वो भी मैं देखता था और जो भी स्किन की प्रॉब्लम थी उनको ट्रीटमेंट करते थे हम स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है दाने हो जाना या फिर मतलब स्किन की बीमारियां जो हैं आमतौर पे काफ़ी सीजनल भी होती हैं ऑक्यूपेशनल भी होती हैं कामकाज आपका कैसा है और कुछ इन्फेक्शन भी होती हैं आमतौर पर यही कहा जाता है कि स्किन की बीमारी ठीक नहीं होती है लेकिन आजकल ऐसे नहीं है स्किन की काफ़ी बीमारियां जो ठीक होती हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको काफ़ी देर तक लंबे समय के लिए दवाई खानी पड़ती है लेकिन काफ़ी बीमारियां जो आजकल स्किन की भी ठीक हो जाती हैं लेकिन अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं स्किन की सूजन आ जाना लाल हो जाना हाँ। या दाने आ जाना या वाइट वाइट स्किन हो जाना उनका अलग अलग चेकअप होता है या वो सब एक में ही गिनी जाएंगी? नहीं वो सभी एक में ही गिनी जाएंगी जो जा अच्छा। सीजन हर के जैसे सर्दियों में बीमारियां होती हैं सोराइसिस वगैरह ज़्यादा होती है, है डेंड्रफ ज़्यादा होती है या स्केबीज हो जाती है और गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और मलेरिया पित्त वगैरह जो निकल आती है और धूप में जो अलर्जीज वगैरह ऐसी बीमारियां हैं हैं। हैं? जो की है। तो उनको कैसे चेक करते हैं? उसका मतलब पहले टेस्ट करवाते हैं फिर टेबलेट देते हैं या क्या? नहीं कुछ बीमारियां वो देख के पता चल जाता है कि ये फलानी बीमारी उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो जिसका कुछ डाउट हो तो उसका हम टेस्ट वगैरह कर भी करते हैं ये खाने पीने से भी होती है या खाने पीने से तो कुछ बीमारियाँ जो हैं ज़्यादा जैसे शुगर में हो है तो उसमें शुगर में स्किन की प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाती हैं खाने पीने का तो हाँ एक बैलेंस डाइट तो होनी चाहिए ना अगर आपको बैलेंस डाइट लेंगे तो ये बीमारियाँ जैसे दूसरी बीमारियाँ भी कंट्रोल होती है तो स्किन में भी ऐसी वो भी ठीक रहेंगी आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना ज़्यादा तेल तेल वाली चीज़ें नहीं खानी तो वो बिन भिन जैसे तेल ज़्यादा

देखो हाइजीन तो बहुत जरूरी है सफ़ाई तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है अगर सफाई नहीं होगी आपके शरीर की भी सफाई होनी चाहिए आप जहाँ रहते हैं उसकी भी सफाई होनी चाहिए आप जो खा रहे हैं उसकी भी प्रॉपरली वो प्योर होना चाहिए क्योंकि तो सफाई के बिना तो सफाई के बिना तो हर एक चीज़ ख़राब हो जाएगी अगर सफ़ाई आले दुआले की नहीं आपके पानी इकट्ठा है गंदगी है तो मच्छी मक्खी मच्छर मख, वगैरह वहाँ पे होंगे मक्खियों से जो हैजा वगैरह या और पेट की बीमारियाँ या मच्छरों से मलेरिया डेंगू वगैरह ये होगा और अगर आप अपनी हो तो हो और आपकी अपनी प्रॉपर हाइजीन नहीं होगी ठीक तो भी धार्मिक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ आप अभी हाल ही में ब्रह्मा कुमारी आपने ज्वाइन किया और राजयोग मेडिटेशन करते है साथ ही साथ आप ज्ञान भी करते हैं इससे पहले आप भक्ति करते थे तो आपको दोनों में क्या डिफरेंट नज़र आता है कि नहीं ये ज़्यादा सहज था या ये का मेडिटेशन ज़्यादा सहज है क्या लगता है आपको बचपन से ही मेरा ये धारणा थी कि जो यूजली मैं शिव भगवान को मानता था तो यही शिव शंकर जिसको हम कहते हैं उस वक्त मुझे ये नहीं पता कि शिव आ रहे हैं और शंकर हो रहे हैं और शंकर को ही हम शिव समझते थे और उनकी पूजा करते थे और ये एक धारणा भी थी कि जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है और निराकार है और सर्वव्यापी है इस धारणा से जब मैं पहली बार जब सिविल सर्जन था तो कुछ भाई और बहनें मेरे ऑफिस में आई रक्षाबंधन के अवसर पर और वो जैसे राखी राखी बांधते हैं तो मुझे भी उन्होंने राखी बांधी और उस वक्त उन्होंने मुझे राखी बांधी और कृष्णा बहन जी थी उस वक्त तो उन्होंने जैसे कि रिवाज़ है कि राखी बांधने के बाद भाई बहनों को कुछ देते हैं गिफ्ट वगैरह तो मैंने भी कुछ देना चाहा उनको तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कहते नहीं हम ये पैसे नहीं लेंगे आप हमें ना पांच खोटे सिक्के दे दो <laughs> मैं कह दीदी आजकल तो जो ओरिजिनल सिक्के हैं वो भी नहीं, नहीं। लोग जेब में डालते इतने भारी होते हैं तो खोटे सिक्के क्या करने हैं आपने नहीं मेरे मैं कह मेरे पास तो खोटे सिक्के नहीं है वो बोले नहीं आपके पास खोटे सिक्के हैं आप दो तो मैंने कहा अच्छा वो okay, कहें आपके पास जो, जो ये खोटे सिक्के जो है आपके काम क्रोध मोल लोभ अहंकार है ये खोटे सिक्के मैंने कहा ये तो है ही है हमारे ये तो है मेरे पास उस वक्त में सिविल सर्जन था तो ऐसे भी कुछ पोस्ट भी ऐसी थी देव देवबान भी था गुस्सा भी आ जाता था कई बार कंट्रोल करने के लिए और उस वक्त फिर मुझे ये पता चला कि उन्होंने मुझे फिर राखी बांधी और मुझे कहा कि आप हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए कभी तो मैंने सोचा आएंगे तो फिर एक बार शिवरात्रि का अवसर था तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं यहाँ आया तो उस वक्त बड़े दीदी राज दीदी थे तो उन्होंने फिर मुझे बताया यहाँ के मुझे पता चला कि जो आत्मा और परमात्मा के बारे में और उसके बाद फिर मैं उन्होंने मुझे कहा कि आप लेसन लो और रेगुलर आया आया करो यहाँ पर तो मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि अभी मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा तो रिटायरमेंट के बाद फिर मेरा बेटा एक अमेरिका में था तो उनके पास जाना पड़ा हमें उनका बच्चा हुआ था तो वहाँ जाके मुझे कुछ ऐसे परिस्थिति आ गई कि मुझे लगा कि अब मैं बहुत बीमार सा हो गया और लगा कि शायद वापस इंडिया में ना जा पाऊँगा मेरी जो युगल थी वो सिस्टर सिस्टर शिवानी शी, जी को सुनती थी और हम वहाँ भी सुनते थे तो फिर मैंने सोचा है भगवान मैंने जानबूझकर तो कभी दुनिया ऐसे कोई गलत काम या नहीं किया कोई अनजाने अनजाने में हुआ होगा तो इतनी जो बड़ी सज़ा कि मैं अमेरिका में आके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वापस नहीं जा पाऊँगा तो वहाँ कुछ शायद कुछ खाने पीने में, में या कुछ वहाँ परफ्यूम वगैरह ऐसे थे उससे मेरे पेट और छाती का जो सांस का प्रॉब्लम तो बढ़ गया था तो एक रात में ऐसे ही सोया हुआ था तो मेरे कमरे में इतनी लाइट ज़्यादा हुई और पहले लाइट आई और फिर सारा कमरा ही लाइट से जगमगा हुआ तो उसमें मुझे ऐसी कोई शक्ति सी आई बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि और मैंने अपनी युगल से कहा तो कहने आपने बाबा ने आपको कमरे में आए हैं और इतना प्रकाश ऐसे तभी हुआ तो फिर उसके बाद फिर जब मैं इंडिया में आया तो इंडिया में आते ही एक और परिस्थिति कोई ऐसी आ गई थी जो मैं कभी सोचा भी नहीं था तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने फिर मार्च 2016 में यहाँ पे ज्ञान लिया था तो उसके बाद फिर तीन चार महीने के बाद एक वहाँ पे माउंट आबू से निमंत्रण आया कि डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहाँ पे बॉड बॉडी माइंड कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे फिर मेरी दीदी ने कहा कि आप जाओ फिर हम दोनों गए तो वहाँ हम जब गए तो ज्ञान सरोवर में हमारा तीन दिन का शिविर था और मेरे साथ और भी डॉक्टर थे जो मुझे जानते थे और मैं बीइंग सिविल सर्जन वो मेरा काफ़ी रिगार्ड करते थे और जिधर भी जाते थे मुझे साथ ले जाते क्योंकि मुझे पता नहीं था पहली बार गया था वो पहले जा चुके थे तो मुझे फिर वो पांडव भवन लेके गए तो वहाँ पे हमने जब शक्ति स्तंभ बाबा का कमरा में गए और बाबा के कमरे के बाद मैं जब बाबा की कुटिया में गया तो वहाँ पे जो मेरे साथ डॉक्टर था मेरा जूनियर था तो कह रहे सर आप ना जगह आप कोई परिस्थिति है आपको कोई परेशानी है ना अगर आप बाबा को लिख के देंगे तो आप कि वो दूर हो सकती है परेशानी बाबा कर देंगे जी. तो मुझे नहीं पता था फिर उसने मुझे आप ही कागज़ दिया पेन पे मैंने लिखा और उस वक्त जो मेरी परेशानी थी ना वो मुझे मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कोई अलवेलेपन में कुछ हुआ और मुझे मैं, मैं नहीं सोचा था कि ऐसे होगा मेरे साथ और बहुत मुझे परेशान कर रही थी और उस वक्त जब मैंने वो लिखा वहाँ पे और मेरे आंखों से ऐसे आंसू आए ऐसे आंसू आए कि बाबा ये कहाँ मैं फंस गया सारी उम्र तो कभी कुछ किया नहीं तो उस वक्त मुझे ऐसे एहसास हुआ कि बच्चा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा और आप यकीन मानो जब मैं तीन चार दिन के बाद जलंधर आया तो काफी कुछ ठीक हो चुका था अच्छा हाँ और मुझे ऐसे लगा कि बाबा मेरे साथ है बहुत अच्छी बात है आ, तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास बढ़ गया बहुत और फिर मैं रेगुलरली यहाँ पे आना शुरू कर बहुत अच्छा आपने एक अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर किया और उम्मीद है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में एक बार प्रभु के प्रति या परमात्मा के प्रति ठान लेता है और विश्वास करने लग जाता है हंड्रेड परसेंट है कि उसके जीवन में सफलता जरूर मिलती है आ, मुझे भी विश्वास है कि आप सच्चे हैं और सच्चे मन से आप प्रभु को याद करते हैं ना तो प्रभु आप परमात्मा आपको जरूर हेल्प करेगा जी तो जी तो आजकल की जो जनरेशन है जैसे कहते आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये करेंगे हम वो आप नहीं बाकी सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसा करेगी ये लेकिन जहाँ तक हम जिन जो देखते हैं कि आजकल का यूथ एजुकेशन की तरफ भी है लेकिन उससे कम भी है वो आजकल नशे की तरफ ज्यादा है तो उस नशे को कैसे दूर करें और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज का यूथ तो जो नशे में है ना उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एक तो माँ बाप दोनों जो सर्विस एम्प्लॉयड है उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते जी। अकेलापन फील करता है दूसरा आजकल बेरोजगारी भी बहुत है पढ़ लिख के आपको जब कोई जॉब नहीं मिलती तो आप फिर दूसरी तरफ आपका मन भटक जाता है तो जो हलचल मन में होती है जो उसके कारण फिर वो नशे की तरफ भाग जाता है राज योगा पे जो मैंने देखा है कि हमने पीछे एक बहुत बड़ी रैली भी की थी डी एडिक्शन के लिए के संबंध में कि डी एडिक्शन विद राज योगा मेडिटेशन जी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जब हमारा एडिक्शन हम तब लेते हैं जब हमारे मन में बहुत हलचल होती है बहुत ज़्यादा वो सोच विचार होता है कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो ड्रग्स वगैरह लेने शुरू कर देते हैं और ड्रग्स लेने के बाद आप आजकल की ऐसी ड्रग्स हैं एक बार लेते हो तो वो छूटती नहीं है और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे आपको चोरी करनी पड़े स्नैचिंग करनी पड़े और जो क्राइम्स वगैरह इतने ज़्यादा हो रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ ड्रग्स तो ये एक बहुत सामाजिक बुराई बन चुकी है एक बीमारी बन चुकी है बहुत बड़ी तो राज योगा से जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है शांति का सागर है और अब जब अपनी आप आत्मा को उससे जोड़ के उनसे जो शक्तियाँ प्राप्त करती हैं तो उस शक्ति से आपको शांति जो मिलती है तो शांति से आपका मन जो काम होता है जो हम दवाइयाँ भी लेते हैं जो ड्रग्स के लिए तो वो भी हमारे मन को काम ही करती हैं अच्छा, तो हम परमात्मा से जुड़ के उन शांति के सागर से शांति लेके अपने आप को शांत मन करते हैं तो उससे भी आपको आपकी अच्छा है। आपका। आ। और आप इस सफलता की कहानी, में अपनी एक जीवन की कहानी बहुत अच्छा लगा कि आप इस में आए। और उम्मीद है कि आप और लंबी सफलता प्राप्त करें, अच्छी सफलता प्राप्त करें हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी अभी तो सफलता यही है कि मैं बस परमात्मा के साथ जुड़ा हूँ जी और मुझे पूरी यकीन है कि जुड़ा ही रहूंगा और परमात्मा का जो छत्र छाया मेरे पे बड़ी रहेगी और जो भी मेरे से हो पाएगा अपने समाज के लिए अपने परिवार के लिए तो मैं जरूर करता रहू बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ओम शांति मित्रों आज हमने जानने की कोशिश की कि मेरे जीवन की सफलता की कहानी में हमें अपना जीवन किस तरह से तय करना चाहिए अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति